प्रेरणा कथा, सहकर्मी से जीवन साथी। साजन चौहान और मोहिनी राठौर एक ही अंतर्राष्ट्रीय कंपनी में काम करते थे। करीब 38 बरस का साजन चौहान उस कंपनी के बेंगलोर के दफ्तर में उच्च अधिकारी के पद पर काम करते थे। मोहिनी राठौर उसी कंपनी के दिल्ली के दफ्तर में उसी पद पर काम करती थी। दोनों ही सुबह सुबह घर से निकलकर कंपनी की बस पर सवार होकर दफ्तर की तरफ चल पड़ते थे। दिन भर वो अपने अपने दफ्तर में खूब काम करते थे अपने अपने कंप्यूटर पर। हर दिन वही काम करते हुए उनके जीवन में एक प्रकार की निरस्ता सी आ गई थी। दोनों ही अपने अपने शहर में अपने अपने दफ्तर में बैठे घड़ी की तरफ देखते रहते थे। एक बार दोनों को ही अपने अपने शहर से अपनी कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में नागपुर जाना पड़ा। वहां कंपनी के एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। उस सभा में साजन और मोहिनी एक दूसरे के साथ वाली सीटों पर बैठे थे। जब एक वक्ता बोल रहा था, साजन ने उस व्यक्ति का हल्के स्वर में मजाक उड़ा दिया, पर मोहिनी ने वो सुन लिया था। वो भी साजन के साथ हल्के हल्के हंसने लगी। साजन ने जब उसकी तरफ देखा तो वह चुप हो गई और शायद थोड़ी सी घबरा भी गई थी। हंसने के कारण मोहिनी ने तुरंत ही साजन से माफी मांग ली। आसपास बैठे सभी लोगों ने उन दोनों की तरफ देखना शुरू कर दिया था। लंच के समय मोहिनी साजन के पास आई और उसने फिर से माफी मांगी। साजन ने हैरान होकर कहा, किस सीट की माफी मांग रही हैं आप? वो कॉन्फ्रेंस हॉल में इतनी जोर से हंसने के लिए, ओ माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मुझे तो खुशी हुई कि कोई तो मेरी बात पर हंसा था, इतना बोरिंग कार्यक्रम था कि हंसी की जरूरत ही नहीं थी। सच में मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, वहां मुझे लग रहा था कि मैं अकेला ही था जो बोर हो रहा था उस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन आप कैसे आ गए इस कॉन्फ्रेंस में? दफ्तर की राजनीति और क्या, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। इस तरह साजन और मोहिनी में बातचीत शुरू हो गई। दोनों दिल्ली और बेंगलोर की शाखाओं के बारे में एक दूसरे को बताने लगे। दूसरे दिन चाय के समय तक वो दोनों एक दूसरे से अपने अपने बारे में भी बताने लगे थे। बाद में जब विदाई पार्टी हुई तो दोनों साथ साथ ही थे वहां। दोनों को ही आश्चर्य हो रहा था कि कितनी आसानी से वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे थे। वो साजन की मजाक से भरी बातों को सुनकर खूब हंसती रही और उसकी कहानियों को बहुत ध्यान से सुनती थी। 3 दिनों के बाद दोनों वापस अपने अपने शहर चले गए। साजन और मोहिनी फिर से अपने दैनिक काम में लग गए। एक दिन शाम को मोहिनी को अपने सिंगापुर के दफ्तर में साजन राणा जी को एक ईमेल भेजनी थी, पर बाहर बस तैयार खड़ी थी कर्मचारियों को घर ले जाने को। उसने गलती से जल्दी जल्दी से वो ईमेल साजन राणा की जगह साजन चौहान को भेज दी। उसने कंप्यूटर बंद कर दिया और अपना बैग लेकर बस की तरफ दौड़ पड़ी। उधर बेंगलोर में साजन चौहान अपने दफ्तर में शाम को देर तक काम कर रहा था, तभी उसको मोहिनी के द्वारा भेजी हुई ईमेल मिली। पढ़ता ही वो समझ गया कि वो ईमेल किसी और साजन के लिए थी, उसके लिए नहीं। उसने जल्दी से जवाब लिखकर भेज दिया कि मोहिनी ने वो ईमेल उसको गलती से भेज दी थी। उसने ईमेल तो भेज दी, पर उसके मन में मोहिनी से चैटिंग करने की इच्छा उत्पन्न हुई। उसने फिर से एक संदेश लिखकर भेज दिया, वैसे दिल्ली का मौसम कैसा है? अगले दिन जब मोहिनी को मालूम चला कि उसने गलत साजन को ईमेल भेज दी थी तो उसका चेहरा लाल हो गया, लेकिन उसने जल्दी से फिर से ईमेल सिंगापुर में साजन राणा को भेज दी और राहत की सांस ली। फिर उसने साजन चौहान का वो संदेश पढ़ा कि दिल्ली का मौसम कैसा था। वो मुस्कुरा दी, क्योंकि ऐसे प्रश्न की आशा साजन से ही की जा सकती थी। मोहिनी ने भी साजन को ईमेल भेजकर बेंगलोर के बारे में कुछ प्रश्न पूछ लिए। इस तरह दोनों के बीच चैटिंग भी शुरू हो गई
और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत से विषयों पर बात करने लगे। जैसे जैसे दिन बीतने लगे वो एक दूसरे को और भी अधिक संदेश भेजने लगे। दोनों ही प्रयास करते थे कि वो मजेदार बातें लिखकर भेजें। उनके दिल जल्दी जल्दी बीतने लगे क्योंकि अपने काम से जब भी फुर्सत मिलती दोनों एक दूसरे से चैटिंग करने लग जाते थे। अब उन्होंने घड़ी की तरफ देखना छोड़ दिया था। साजन को मालूम ही नहीं चला कि कब उसके व्यवहार में परिवर्तन आ गया था। एक दिन बस में बैठते ही उसको लगा कि उसका काम उसको आनंद देने लगा था। वो मोहिनी के साथ चैटिंग पर हुई बातचीत को याद करके मुस्कुराता था। एक दिन दिल्ली के दफ्तर में एक कर्मचारी ने कोई गलती कर दी और आरोप मोहिनी पर लगा दिया। मोहिनी बहुत दुखी हुई क्योंकि उसकी कोई भी गलती नहीं थी। उसको उस समय किसी दोस्त की जरूरत थी। उसने तुरंत ही साजन को फोन कर दिया। दोनों ने करीब आधे घंटे तक फोन पर बात की। मोहिनी को साजन से बात करके अच्छा महसूस होने लगा था। उसको भी आभास होने लगा कि साजन अब उसका सिर्फ दोस्त या कंपनी में काम करने वाला सिर्फ एक सहकर्मी नहीं था, वो उसको कुछ और भी लगने लगा था। वो उसके लिए विशेष हो गया था। वर्ष के बाद में जब कर्मचारियों की तरक्की का समय आया दोनों को ही निराशा हुई क्योंकि उनके दफ्तर में भाई भतीजावाद बहुत अधिक था। दोनों को बहुत कम अंक दिए गए थे क्योंकि वो ईमानदार थे और अपने बॉस को मक्खन नहीं लगाते थे। उनको ज्यादा तरक्की नहीं दी गई। इस बार जब साजन की तरक्की नहीं हुई तो उसको बहुत गुस्सा आया और वो उस नौकरी को छोड़कर कोई और विकल्प के बारे में सोचने लगा। उस वर्ष भी नागपुर में कॉन्फ्रेंस होने वाली थी। साजन ने सबसे पहले नागपुर जाने के लिए अपना नाम लिखवा दिया। उधर उसने मोहिनी को भी नागपुर आने के लिए मना लिया। एक बार फिर से दोनों सभागार में साथ साथ बैठे थे। इस बार कुछ भी बोरिंग नहीं था उनके लिए। वास्तव में वो तो वक्ताओं को सुन भी नहीं रहे थे। वो चाहते थे कि जल्दी से शाम हो जाए और कार्यक्रम समाप्त हो जाए। पहली शाम को साजन मोहिनी को डिनर के लिए एक शानदार रेस्टोरेंट में ले गया। वो उसको बहुत कुछ बताना चाहता था और उससे भी बहुत कुछ सुनना चाहता था। वो उसको बताना चाहता था कि पिछले एक वर्ष में मोहिनी ने उसको कितनी खुशी दे दी थी और कैसे उसका बोरिंग काम भी उसको अच्छा लगने लगा था। एक वर्ष पहले जब साजन नागपुर आया था तो वो गुस्से से भरा हुआ था, पर इस बार उसके चेहरे पर सिर्फ मुस्कान ही मुस्कान थी और वो बहुत खुश था क्योंकि मोहिनी उसके साथ थी। तब तक मोहिनी भी साजन के मन की बात को समझने लगी थी। 3 दिन के बाद दोनों अपने अपने शहर चले गए और फिर से दोनों में हर दिन बातचीत होने लगी। कभी ईमेल के द्वारा, कभी व्हाट्सएप पर, कभी फेसबुक पर, तो कभी सीधे सीधे फोन पर। दिन में जब भी मौका मिलता था एक दूसरे से बात कर लेते थे। तब तक दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जान चुके थे और दोनों ही जानते थे कि दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। फिर एक दिन हिम्मत करके साधन ने सीधे सीधे फोन पर मोहिनी से पूछा, मोहिनी क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उधर मोहिनी की आंखों में आंसू आ गए, पर कुछ देर के बाद उसने कहा, जरूर हाँ मैं तुमसे शादी करूंगी साजन। इसी बीच दोनों को फिर से एक कॉन्फ्रेंस में जाने का मौका मिला। वो कॉन्फ्रेंस मुंबई में थी। दोनों एक दूसरे के पास ही बैठे थे। उनके आसपास बैठे लोग या तो जमाइयां ले रहे थे या आंखें बंद किए हुए थे और बेचारा वक्ता मंच पर बोले जा रहा था। साजन और मोहिनी दोनों पास पास बैठे धीमे स्वर में बातें कर रहे थे और सर नीचे झुकाकर हंस भी रहे थे। इतने वर्षों तक दोनों के अकेलेपन ने उनको नीरस बना दिया था, पर अब सब कुछ बदल गया था और दोनों एक दूसरे के प्रेम में डूब चुके थे। उस कॉन्फ्रेंस के अंतिम दिन दोनों ही अपने अपने परिवार को फोन करके उनको बता रहे थे कि वो शादी करने वाले थे। 1 महीने के बाद साजन ने बेंगलोर में कंपनी की नौकरी छोड़ दी और दिल्ली आ गया और एक नई नौकरी ले ली। 1 महीने के बाद मोहिनी और साजन की शादी हो गई। उसके बाद दोनों को छुप छुप कर अपने अपने दफ्तर से मैसेज नहीं भेजने पड़ते थे और चुपके चुपके नहीं हंसना होता था। वो खुलकर बातें करते थे और जोर जोर से हंसते थे। 1 वर्ष बाद दोनों ने मिलकर नोएडा में अपना घर खरीद लिया और बिना किसी से छुपाए एक दूसरे के साथ बैठकर बातें करते थे और खूब खिलखिलाकर हंसते थे।
इतनी दूर दूर के दफ्तरों में काम करने वाले दो लोग 3 वर्षों में ही जीवन साथी बन गए थे। बहुत बहुत शुक्रिया।